पापा और हमारे बुई मामू साथ ही, अभी एक साथ ही एंट्री ली, कब से वेट कर रहे थे कि आएगा और एक साथ ही आ गए। कहीं ना हम तब भी मतलब प्रिकॉशन लेनी थोड़ी कम कर दी है, जैसे सामान ठीक है रखते हैं बाहर, धोते भी है जो सामान बाहर से लाते हैं, बट पापा देखो अभी भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले गए। ये सामान बाहर से आया तो पापा ने अभी बाहर लटका दिया ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। गोप्रो और अपने पुराने फ़ोन से जब मैं करता था ना रात को रिकॉर्ड, कितना फ़र्क आ गया अब देखो क्वालिटी में है। लास्ट टाइम कभी है वही रखनी पड़ेगी एक दिन सिड्डू की पार्टी। जैसे मेहमान आ गए, बुई मामू आ गए, पापा आ गए, अब थोड़ा अब देखो मेरे को तो इतना कुछ पता नहीं है दादाजी के बारे में। मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपने आप से कुछ ना कुछ बताए दादाजी के बारे में कि क्या कैसे दादाजी थे, थोड़ी बहुत स्टोरीज बता दे, अच्छी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको अभी भी याद आती है, उनको बहुत मिस करते हैं, वो सब मैं अभी धीरे धीरे पूछूंगा। अभी जस्ट अभी पहुंचे तो अभी थोड़ा बैठे हैं तो बस अभी पापा नहा रहे, उसके बाद नहाने के बाद फिर करते हैं शुरू। ठीक है नहीं कब बारिश आई? नहीं 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 मैं उठा था 6-7 बजे तक, तो मैं नहीं थी बारिश। जब एक है ना 7-1 बजे फिर तक हमें आपके बरंडे में लग रहा था कि पानी गिरा है, मैंने कहा इतनी सुबह उठ के बरंडा सुबह साफ कर दिया। फिर नहीं तो गिलो जी कुर्ते बहुत सस्ते मिलते हैं, कुर्ते ओ गरम बहुत बढ़िया, जो तो पर स्थारा के साथ लगते हो तो स्थारा के मनी माजरा के साथ भी लगती है, वो तो उसके हाउसिंग बोर्ड के साथ, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड के साथ, हाँ उसके साथ भी लगती है, हाँ सेम ही है मामू सारी जगह। पगले मैंने चाय रख लिया, पापा नहा के आ गए तो बस आने वाले। मॉइस्चर देख रहे हो यहाँ, मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया यहाँ, सर्दियों में हमेशा यही होता है, मॉइस्चर बहुत हो जाता है यार, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ बर्फ हो जाएगी और प्लेन्स में आपकी बारिश। तो वित्ते पढ़ने में बिजी हो पापा, वरना बुला लेते वित्ते को भी और कुछ बुला थोड़ी अगर आप दादाजी के बारे में कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने सोचा चलो फ्रेम हमने करवा दिया, लोग पूछ रहे थे थोड़ा अपना दादाजी के बारे में बताओ, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा बता दिया जाए, और आप लोग ही बता सकते हो जिन्होंने देखा है, जो साथ रहे हो हम। आई विल अच्छा धीरे रेट इन डिटेल। ठीक है पूरी लाइफ स्ट्रगलिंग छह बच्चों का पालन पोषण करना, हाँ आसान बात थोड़ा है। हाँ। सही बात, हाँ जी कितनी क्या सेल उसकी महीने की 50,000 भी बहुत है, हाँ लाख तो नेट है ना, हाँ मान लिया लाख भी लगा दो आप 50,000 बची का। हमारे सी है हमारे बैंक है ना उसमें रहता, बोलो मेरे एक कोई दोस्त है बोलो वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उसे गोलगप्पे और इसका काम है पापड़ी और चाट लेना, बाहर तो बहुत चलता है, इतनी डिमांड है बोलो बारी नहीं मिलती पट्टी को, करोड़पति बन गया वहाँ। हमारे पिताजी बहुत ही नेक इंसान थे, मतलब कि हेल्पफुल भी और काइंड हार्टेड भी, मतलब बहुत ही नाइस थे वो, तो मतलब कि जॉब करते थे वो, गांव से जाते थे सुबह जाना और शाम को वापस घर। अच्छा जी ठीक है, और मतलब कि देखो कितना गांव से हमारे बहुत दूर है पैदल चौपाल जाने का, हाँ जी अब तो खैर गाड़ियां हैं बसेज है, पर उस टाइम कुछ नहीं होता था, हाँ जी उस टाइम तो ये होता था कि घर में पहले काम करना है, सुबह 5 बजे उठ जाते थे। अच्छा नहीं उसके लिए दूध के लिए ना, हाँ जी बटर बनाने के लिए नीचे से पानी बॉडी से पानी लाना, अच्छा 5 बजे उठ के फिर आना, फिर नहाना धोना तैयार होना, फिर जाना ड्यूटी, फिर शाम को आके भी फिर, और सबसे बड़ी बात क्या थी उनकी, हाँ जी कि उनका जैसे मतलब दो वक्त मिलते हैं ना, हाँ जी दो वक्त जहाँ भी मिलेगा ना उन्होंने बैठ जाना है बस, योगा क्या बात है, मतलब योगा करेंगे आरती करेंगे संध्या मतलब जो होती है, हाँ जी हुई दो जो जब दो वक्त में मिलते हैं, वो उनका एक रूटीन था चाहे जहाँ मर्जी, अच्छा जहाँ भी मर्जी, वो बहुत ही मतलब धार्मिक विचारों के थे, और बाकी छोटी सी उम्र में वो बेचारे नहीं रहे, 48 ईयर्स
के थे जब उनकी डेथ हो गई और मैं सिर्फ 8th क्लास में थी उस टाइम, उतने छोटी मैं थी ना, तो 8th में थी जब वो उनकी डेथ हुई है। और बाकी उसके बाद तो मतलब बीमार हुए, उनको कैंसर हो गया था एक्चुअली, यहाँ पे वो बड़ा सा पता नहीं क्या बन गया, ऐसे फोड़ा भी नहीं था पता नहीं क्या था। फिर तो वो ये हुआ ना कि भी फिर वो डॉक्टर का इलाज कहीं बेचारे कुछ करते थे, कभी कुछ कभी सेक देने सेक दे कि क्या हुआ कि उसकी स्किन जैसी उतर गई। अच्छा, सेक दे कर पहले इधर हो गया फिर इधर हो गया, फिर IGMC ले गए, IGMC में ठीक इलाज नहीं हुआ तो मतलब बस फिर तब तो धीरे धीरे ऐसे ही बेड पे, फिर मतलब कि लास्ट यही हुआ कि भी बस। मैं छोटी होती तो मैं बहुत लाडली होती थी, हाँ जी। मैं तो जैसे आना उन्होंने मेरे सीधे गोदी में ही मतलब बैठ जाना और उनका बैग बुक देख लेना क्या ला बैग में, तो मतलब वो कुछ ना कुछ जरूर लाते थे मेरे लिए। अच्छा, तो वो है और ढूंढेगी वो होता ना, मतलब छोटे में लालच भी होता है, हाँ जी। हाँ, पता नहीं आएगी शाम को पिताजी पता नहीं क्या लाएंगे, हाँ जी। तो उन्होंने कुछ ना कुछ वो जरूर लाते थे, या बेसन लाना या पकौड़ मतलब कुछ ना कुछ, कुछ भी कुछ क्या। हमारे माता जी होते थे स्ट्रिक्ट, हाँ जी, मतलब उनके डर के बारे हम ज्यादा नहीं बोल पाते थे, हाँ जी। क्या करना चुपके से पिताजी के कान के पीछे होना से, जब उन्होंने हमें जाना मैंने उनको बोला मेरे को ना आज शाम को मैं ये चीज लाना, और उन्होंने मतलब वो ले आनी जैसे मर्जी लाए वो ले आनी और चुपके से मेरे को देनी कि इसको ना बताइयो इसको ना बताइयो, फिर बाद में तो बता देते थे ना उनके भी ऐसे ऐसे, हाँ जी। मतलब कि बहुत ही नाइस पर्सन थे, हमारे को ऐसे कोई भी काम ना, हाँ जी, नहीं 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 तुम्हारे से नहीं होगा, तुम्हारे से लग गए हो जाना काम, सारे काम कोई भी काम ऐसा मतलब हर चीज के लिए ना, मतलब कि भी नहीं भी बच्चे बच्चे है, हाँ जी। हम लोग तो बहुत काम करते थे बहुत हेल्प, क्योंकि होता था ना जब माता जी होते थे पिताजी जॉब करते थे तो हम सब भाई बहन बहुत हेल्प करते थे। अच्छा, तो मैं काम करना सारा मतलब सारे काम, गाय इनकी ड्यूटी थी स्पेशली रोटी बनाने की, इन्होंने खाना बनाना सुबह शाम ना, तो हम सब खाते थे, फिर जाना हमने चार चार होते थे तब, तो मेरे सामने मतलब बड़े भाई जी और छोटे भाई का तो मेरे को पता ही नहीं है कि वो पढ़े या क्या, मेरे को कुछ पता नहीं। अच्छा, मेरे को चार का पता है कि भी दो ये भाई और दो हम बहने, हमारे को कभी ये नहीं बोलते थे कि तुम बैठ जाओ पढ़ लो, पढ़ाई के लिए उसके बावजूद निकाल देते हम। क्या दिन थे, क्या मजा, सही बात है। अब तो कुछ नहीं हो गया, अब क्या है, अब तो चार दीवारी में रहो बस, पहले बहुत अच्छा टाइम होता था। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, अच्छा, हमारे दादा दादी के 19 बच्चे हुए, 19, हाँ जी। पिताजी वाज द यंगेस्ट वन और सबसे लाडले परिवार के। अच्छा, हाँ, इनको सबसे छोटे होने के नाते इनसे ना कोई काम करवाया जाता था ऐसा जो सुनते थे हम, नहीं नहीं इससे नहीं किया जाता, इसको रहने दो इसको रहने दो, दादी प्रोटेक्शन में आ जाती थी, हाँ जी, ऐसा बोलते थे। पर काइंड हार्टेड बहुत थे। अच्छा, एक बार ना हमारे गांव में ना ये होते हैं जो मतलब वो बजाने वाले ना थे डाकी, हाँ जी, हाँ। तो बुड्ढा जैसा था बेचारा एक ना, मतलब उनका दादा था जो बबलू वगैरह ने, हाँ जी, हाँ जी, उनके दादा। अच्छा, जो वो बीमार हो गए बेचारे, जैसे होता ना बीमार हो गाँव ऐसे कहीं आ रहे कहीं से ना, हाँ जी, उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, पिता ने क्या किया, उन्होंने देखा कि क्या हुआ अभी क्या, बोलो मेरे से चढ़ा, उन्होंने पीठ उठा दिया उसको, पीठ में उठाया और घर छोड़ दिया। ओ तेरी क्या बात है, तो पिताजी को फिर कहते कि जॉब मिल गई, इंटरव्यू वगैरह दिया SSB में थे ये, हाँ जी, दिन का जॉब थ्रू और छुपा नहीं रहा। हम जो है ना पिता माता पिता के 6 संतान थी, तो हमारा देखो पूरा उनका जीवन लगभग स्ट्रगल में निकला, पूरी लाइफ स्ट्रगल, 6 बच्चों का एजुकेशन, 6 बच्चों का पालन पोषण, तो स्ट्रगल में निकला वो जो ना डेली अप डाउन करते थे लगभग 10-12-13 किलोमीटर डेली अप डाउन, चौपाल डेली जाना, शाम को डेली वापसी आना, तो लगभग हम जो ना 3rd-4th तक तो हम दुईना से पढ़े जो हमारा एंसेस्टर गांव है, हाँ जी। उसके बाद हमारे को शिफ्ट किया गया अक्षरली। अच्छा, वहां से हम जो ना हमारी एजुकेशन हुई हमारी 4 की, हाँ जी। ये तो बड़े वाले भाई साहब तो दोनों ये तो चौपाल चले गए थे फिर। अच्छा, 9th-10th देव तो था उस टाइम, 8th तक देव स्कूल, तो हमारे पढ़ते पढ़ते जो ना वो 10th तक हो गया, हमारी 10वीं मेरी भी वहाँ से हुई, कमल की भी, पुष्पा की भी, इसकी सरला की भी, लोग बढ़ने वो एजुकेशन चलते रहे, हमारी कॉलेज टाइम आया, फिर हमारे को जॉब मिलने शुरू हो गए, पिताजी जो ना स्वस्थ होने शुरू हो गए बीच में ना,
अस्वस्थ हुए इनको उनको जो थोड़ा सा बचपन में कहते कोई फोड़ा था इधर कान के पीछे ना, वो प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ। अच्छा, क्योर ना होने की वजह से जैसे जैसे मतलब वो ग्रोइंग एज में तो उनको वो मतलब तंग नहीं किया उसने, जैसे थोड़ा डिक्लाइनिंग उसमें आए वो जो ना फिर फैलता गया। फिर IGMC में ऑपरेशन हुआ, चेकअप करवाया गया, पर ऑपरेशन भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर एक ऑपरेशन और हुआ, फिर जो ना उनका थोड़ा सा बल्कि वो मुंह का वही स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब वो हो गया, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो उसके बावजूद भी वो इतना स्ट्रगल करते थे कि भाई चौपाल से डेली आना, फिर वहां से कभी लकड़ी लानी, कभी घास लाना, सुबह 4 बजे उठना। अच्छा, जब आना उन्होंने जैसे ठीक बोले थी कि जैसे अंधेरा हो जाना ना तो वहीं बैठ जाना उन्होंने अपने बस संध्या में बैठ जाना, और आरती वो कभी नहीं छोड़ते थे। आरती बोलनी बोलनी कम व्हाट बे, अगर गाय चोने जा रहे हो तो आरती वहां भी बोल देनी आरती। क्या बात है, जहां भी। हाँ, तो 88 में मेरा जॉब लगा, मार्च 88 में। तो मैं कोटखाई पोस्टेड था, कोटखाई से मैं भी डेली जाना पड़ता था घर, क्योंकि पिताजी की बहुत बुरे हालत होते थे। अब घर में होते थे सर लाम आता ही, कमल भी कॉलेज में था, तो डेली अप डाउन करते, मेरे डेली मीन्स के भाई सैटरडे को घर जाना ही पड़ता था। मैं 88 में जो उनकी डेथ हो गई, आज उनकी डेथ हुए लगभग 33 साल हो चुके हैं, 33 ईयर्स। तो मतलब कि उनका जीवन पूरा स्ट्रगल में निकला, पूरा स्ट्रगल में। फिर वो सोशल इतने थे कि भाई गांव में कोई शॉप नहीं होती थी, दुकान नहीं होती थी, तो डेली उन्होंने जब चुपाल जाना ना, लंबी लिस्ट होती थी उनके पास, किसी की चिन्नी, किसी की चाय, किसी के चावल, किसी का तंबाकू, किसी की बीड़ी, किसी का वो लद के पार से उठा के रहते थे गठरी, फिर घर घर में डिली हो जी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। मतलब ये है कि इतना काइंड हार्टेड इस दुनिया में आज की डेट में दिखेगा नहीं आपको। सही बात है, हमारा आज हमारे को कभी जुट्ठे रिमाइंडर देते थे, कभी हमारे को वो नहीं करते, काम नहीं करने देना, नहीं समझता, नहीं समझता, समझता, वेरी काइंड पर्सन जिसको बोलते हैं। गुण आप सब बच्चों में भी दिखते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आप लोग भी कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि बच्चे मतलब थोड़े उसमें रहे। आप लोग कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो, सारा काम आप ही करने की कोशिश करते हो, है ना, बच्चों को आप भी ऐसे रखते हो कि थोड़ा कंफर्ट जोन में रहे, कोई नहीं तो हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मतलब दिख जाता है हर एक बच्चे में आप में ना, दिख जाता है दादाजी के गुण जैसा आप बता रहे हो ना, जबकि माता जी उसके बिल्कुल उल्टे थे, अपोजिट। हाँ, सही बात है, ओ चलो खेत में चलो करो काम करो चलो, मेरी तो कई बार पिटाई भी हो जाती थी। फिर खिंचाई थी, सही बात है, अपनी दुनिया में व्यस्त है आप लोग, बस काम में, बस जो काम से थोड़ा बहुत टाइम निकल तो पढ़ाई में, पढ़ाई में, सही बात है, होमवर्क भी करना है, पढ़ना भी है। ऐसा भी नहीं था कि हम नालायक थे, हम सारे भाई बहन, नहीं नहीं नहीं, सब थे, नालायक नहीं थे कोई, अदरवाइज हम तो कभी एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, हम कहीं अच्छी जगह होंगे, गाँव के स्कूल से पढ़े, पर अपनी जगह पे ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सही बात है, है ना, क्या बात है, पढ़ना है बच्चों को, और अच्छे ऑप्शन बनो, अच्छे वो बनो, वो पता क्या, जब डेथ बेड पे थे ना, हाँ जी, फिर उन्होंने इनको भाई लोगों को बोला था कि भी मेरे 2 लड़कियां रहेगी पढ़ाने को, तुम तो मैंने पढ़ा लिया सबको, ये रही 2 लड़कियां, इनको देखना तुमने जरूर पढ़ाना। क्या बात, और इन लोगों ने, वो भाइयों ने हमारे बाप जैसे फर्ज निभाया, उनको पढ़ाया लिखाया, क्या बात है, मतलब कि किया, ऐसा नहीं कि भी हम लोगों को नहीं, इन लोगों का ये था कि नहीं भाई तुम भी हमारी जैसी लेवल पे आने, नहीं, तो मतलब... जॉब करते थे ना बेटा, तो उनका दिमाग थोड़ा लगता था, जब अपने ऑफिसर्स को देखते थे सोचते थे कि नहीं यार मेरे बच्चे भी ऐसे होने चाहिए, बच्चे भी ऐसे होने चाहिए, कुछ ना कुछ जो मतलब गप्पी मजाज के होते थे, अच्छा, मतलब की गप्पे वैसे करते थे कि भी मजा आ जाता था। और जब हमारे घर में कीर्तनें चलती थी, रोज कीर्तन होती थी, डेली कीर्तन, ढोलक वही बजाते थे, अच्छा, और जबरदस्त, क्या कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद से ऐसे, बस ऐसे, क्या बात, क्या बात है, मतलब कमल के वो है उन्होंने काफी गप्पी, वो थोड़ा सा गप्पी में जा रहा है, और शराफत,
शराफत शराफत ऐसी थी कि बहुत ही ज्यादा हमारे को उनके साथ ना मतलब मैं तो बहुत ही छोटी थी, टाइम नहीं मिला उनके साथ रहने का वही जी, जब तक थोड़े क्या 8th क्लास का बच्चा क्या होता है, क्या ही होता है पता भी नहीं चला कि भाई क्या है क्या है, मतलब टाइम निकले ना तब चलो फिर और ज्यादा मेमोरीज बनती है। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, शालडी में होते थे हम, जो शालडी में रहते थे हाँ जी, That was very alone place. अकेली जगह है ना वो, तो पिताजी को टूर में जाना पड़ता था कई बार नीरुआ से आगे बहुत दूर दूर कहीं, पर रात को वापस आते थे हर रात। अच्छा, ऑन फुट चाहे 12 बजे 1 बजे 2 बजे पर वो पहुंचते घर, क्योंकि हम अकेले उनको लगता था कि अकेले हैं। क्या बात, बहुत अब तो बगीचे, उस टाइम तो घना जंगल होता था, होता था वहाँ पे जैसा लाइक नरा था। हाँ, अरे पर कुछ नहीं दिखता था। अच्छा, घर होते थे कहीं लाइट नहीं दिखने के, कुछ नहीं, बल्कि मेरे को नरा था मत थी कई बार, ऐसी पिताजी ऐसे होते थे, अगर पिताजी होते तो मैं हमारे को जरूर मैंने अकेले तो छोड़ते, मेरे को बहुत याद आती थी उस चीज की, मैं कहा पिता ही होते तो वो जरूर याद करते कि अकेले में दिखना, अकेले तो नहीं है तुम या बल के साथ ही आ जाते हैं, पेरेंट्स की फीलिंग और तरह की होती है ना, नहीं नहीं क्यों नहीं होता, एक बच्चों के लिए ना, और इनका बिल्कुल पूरा ध्यान है कि जब इनकी जॉब लगी, हाँ जी हाँ जी हुई, तो जब इनका इनके लिए कॉल लेटर आता ना जो, हाँ जी हुई, वो लेके आए वो छुपाल से। अच्छा, हाँ कि भाई फिर पता क्या है, नजर नजर ना लगा, बेचारे मतलब कि फिर बाद में फिर मतलब इतने खुश के भाई, ये तो पहले लग गए थे बड़े भाई जी छोटे भाई जी, ये तो पहले लग गए थे जॉब ना, सही बात है, पिताजी की उम्र बहुत छोटी थी, सही बात है, बहुत छोटी लाइफ, बहुत ही शॉर्ट रही, तो मतलब कि उनको मतलब वो नहीं हुआ कि जैसे होता ना बच्चे सेटल हो जाए वो देखना, वो मतलब वो चीज नहीं देखने को मिली, चलो सुख नहीं मिला, अपने हाथ में कुछ नहीं होता, सैलरी शुरू शुरू में भगत जी का हाथ देते थे। अच्छा, काफी लेट बाद फिर सैलरी आने से दिमाग आ गया, सैलरी भी क्या होती थी, कितनी सैलरी होती थी, 100-200-500 रुपए इतने, फिर हम बच्चे छह थे ना, बच्चे यानी छह थे, सच में चार किलो सच में पैसे होते थे दबा के रखे पैसे ना, हाँ जी, कि भाई इतने बच्चे हैं भाई इमरजेंसी चाहिए होती है भाई, लगते हैं भाई रहने के लिए, हाँ बहुत ही वो भी, फिर और हमारे को सिर्फ 1 रुपया, हम जैसे हम स्कूल होते थे ना, हाँ जी, तो हमवर्क करते थे जैसे होता था ना, मतलब चल भाई 5-5 रुपए इकट्ठे करो, चल यार ये चीज खाएंगे, हाँ जी, तो उस टाइम तो बड़े लगते थे 5 रुपए, बहुत बहुत लगते, 5 रुपए का भी काफी चीजें आती थी, क्यों थे जी, सर्दियों में गुड़ और मूंगफली, हाँ जी, और बाकी वहाँ पकौड़े और बेसन बनते था। अच्छा, हमने पकौड़े लंच टाइम होटल वाला होता था हमारे कुड़वा, उसको पूछते थे कि भाई ताकत के लिए क्या चीज बढ़िया रहेगी पंडित जी, मैं तो ये समझता हूँ कि 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम पकौड़ा, 1 ग्लास चाय, ये लॉर्ड तो आपकी सेहत बिल्कुल सही रहेगी हमेशा, कुल्लू के थे वो, कुल्लू के ना। अच्छा, ज्यादा चुपचाप परे सुबह वैसे चलता फिरता नहीं पा रहा था हमारे घर में, देखो हमारे घर में सब कुछ होता था, हाँ जी, सिर्फ हम नमक खरीद के लाते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, बाकी खुद ही उगाते थे आप लोग, हाँ जी, A to Z कोई फसल ऐसी होती थी, चावल से लेकर मक्की गेहूं जौ सारी दालें, हाँ, सारी अपने उसमें पैदा होती, आटा की कितने किस्म का आटा होता था हमारे घर में, है मतलब सारी चीजें हमारे अपने घर में होती थी, सिर्फ नमक लेकर मेहनत थी बहुत, दूध घी दही लस्सी घर की, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ऐसी देखे तुम्हें छोड़े खेत कटाई कर रहे, कोई कटाई कर रहे, कोई हम ना रात रात को काम करते थे पता है। अच्छा जी, जैसे स्कूल से आए, हाँ पहले तो करना ही करना ना, फिर उसके बाद रोटी रोटी खानी, चलो भाई रोटी खाओ, मून लाइट आई नहीं और चल जी फिर से, चलो जी है फिर करना काम, उतनी जमीन शांडी की सारी बीजते थे उसको, बहुत सारे हल चलाते थे, हम बाते थे खुद ही खुद, तेरी क्या बात है, हल चलाते थे सारा कुछ करते, हाँ जी, 88 में जब मैं
हाँ जी कोटगढ़ में ही है जी। हाँ जी हाँ जी फिर भी हमारे तो बहुत लेट शुरू हुआ धंधा ना, कुछ लगा तो लिए थे भगत जी ने, पर कम उसमें लगाए थे उस टाइम तक, उतना काम वो नहीं कर पाते थे बागवानी के भी साइंटिफिक वे से या थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी तो जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो बस आपकी फिर से भाई सेवा आपको ही लेने देंगे आपको वहां से नहीं लेने देंगे मतलब इतना फीलिंग की रिस्पेक्ट करते थे ना वो, कभी किसी को ऊंचा नहीं डांटा, तो हमारे को थप्पड़ तो लगाया ना कभी, मतलब ही नहीं हाथ ही उठाया कभी, मतलब डांटना डूंटना तो दूर की बात है वो सारी कमांड माता जी के पास थी। माता जी तो पिट पिट के लिपड़े उतारे मेरे तो बहुत ही उतारे हुए। नहीं देखो मेरे को तो ना मम्मी ना मारा ना पापा ने मारा, दोनों ने मतलब ना माता जी ना ना पिताजी ने, दोनों ने मारा। आप लाडले हो गए ना वही सब, तब तक काफी वो हो गया था ना, निप पता हमें तो देखो हमने तो कभी देखा ही नहीं दादाजी को, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है दादाजी के बारे में, बस सुना ही है कि दादाजी ऐसे होते थे ऐसे होते थे, तो काफी अच्छा लगता था सुन के, दिल को ना खुशी होती थी कि हाँ आगे चलो वही ना, तो अगर हम भी उनको फील कर पाते हम भी उनको देख पाते तो क्या होता, अलग ही होता, टाइम ही अलग होता फिर तो। तो वो तो उस टाइम सिर्फ रूबी थी, रूबी सिर्फ 6-7 महीने के थे। हाँ वही ना जी, तब तो बीमार हो गए थे बहुत, तब तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उसको बोलते थे यहाँ नहीं लाना यहाँ लाना, इसको इसको अपने कमरे में नहीं मानते थे, इसमें मेरे रूम में मत लाओ, इधर मत लाओ, उधर रखो, इसको बच्चा है, छोटा बच्चा है बेचारे, इसमें बड़े कॉशियस थे वो कि भाई इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा। अच्छा बहुत अवेकनिंग थी इस चीज की। गाइज इसी के साथ आ चुका हूँ मैं ऊपर अपने टेरेस पर, डिनर वगैरह सब हो चुका था, अच्छे से हो चुका था, बस उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे यार, फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गया, वो मम्मी पापा बुआ वगैरह भी नीचे बैठे हुए, और फिर मैं आ गया मैंने क्योंकि काम करना है, एडिटिंग करनी है, कल भी मेरा रह गया था काम और आज पूरा करना ही करना है, और आज ज़्यादा भी है काम तो आज ज़्यादा टाइम लगेगा भी, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। जब मेरे को ना मतलब जब बुई और पापा जब दोनों ना मतलब दादाजी की मेमोरी शेयर कर रहे थे ना, जो उनकी जो उनको याद आता है, जो उनके साथ पल बिताया दादाजी ने, तो मतलब लिटरली साफ पता लग रहा था, मतलब वो ना इमोशनल हो रहे थे, सैड हो रहे थे, उनको खुशी भी थी कहीं ना कहीं, मगर वो सैड भी हो रहे थे वो सोच सोच के कि काश आज भी दादाजी जिंदा होते तो आज क्या नहीं होता यार। फिर को मैं सच बताऊँ उम्मीद नहीं थी कि जैसे आज बुई वगैरह मेहमान बुला दिया, तो मुझे सिर्फ ये लगा था कि पापा ही हो गए, तो शायद पापा से मैं स्टोरी सुन लूंगा कि ऐसा होता था ऐसा होता था, बट बुई भी आ गए, होपफुली आपको सब कुछ अच्छा लगा यार। बाकी सोच रहा हूँ क्यों ना करते इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, क्योंकि इसके बाद काम बहुत है करने को। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाए। तो गाइस मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में बहुत जल्द, होगा कुछ एक्साइटिंग, देखता कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मिलते हैं आपको बहुत जल्द, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।